various heads in a pump. This is an important topic for GATE. So student, this was the sump. Sump मतलब जहां से आपने पानी उठाया, और यहां पे प्रेशर क्या होता है सम्प पे, इज इक्वल टू ATM प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर इज एट द सम्प. ओके, ये आपने पानी उठाया, यहां से पानी को आप पंप के अंदर लेके गए, ये आपने पंप, ये आपका पंप था, पंप में आपने इसको रोटेट किया पानी को, यू हैव रोटेटेड द वॉटर इन द पंप इज लाइंग लाइक दिस, और फिर आपने इसको डिलीवरी हेड में आपने पानी को पहुंचा दिया, ये आपका कोई टैंक हो गया, और जिस वेलोसिटी से आपने पानी को पहुंचाया दैट इज VD, VD इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी, दिस इज द सक्शन पाइप, दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप, दिस इज द डिलीवरी पाइप. सो स्टूडेंट, द फर्स्ट हेड दैट वी हैव इन द पंप इज कॉल्ड एज द सक्शन हेड. नाउ व्हाट इज सक्शन हेड, देखिए सुनिए बड़े ध्यान से. अब स्टूडेंट्स, यहां से पानी को लिफ्ट करने के लिफ्ट करके इसके पंप के सेंटर लाइन तक लाने के लिए जो हेड आपको चाहिए दैट इज कॉल्ड एज द स्टैटिक हेड HS, सॉरी सक्शन हेड HS. सो व्हाट इज द सक्शन हेड, सक्शन हेड दैट इज इक्वल टू HS. सक्शन हेड इज HS. Then we have the delivery head. What is the meaning of delivery head? Centrifugal pump ki center line se is pani jahan pe aapko deliver karna hai, maan lo ki aapko ye wala pani aapko yahan pe deliver karna hai, this is the water level, aapko yahan tak deliver karna hai, iske delivery ke pipe ke center tak ka jo distance hota hai, this distance from here to here is called as HD. HD is called as the delivery head. Delivery head, that is your HD. And students, इसका जो total जो head होता है ना, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो total head है, this total head, it is called as the H, capital HS. Capital HS is the static head. Capital HS is the static head. Static. Number four is very important. Number four is called as the HM. HM is also called as the manometric head. Manometric head. ये manometric head थोड़ा important है students, को आप ध्यान से समझना, this is important. कई बार exam में question यहां से आ जाते हैं manometric heads. Manometric head के तीन definitions हैं. So we have three definitions for the manometric head. The first definition is मैनोमेट्रिक हेड इज, देखो अब इस पंप ने कुछ हेड जनरेट किया, हेड का मतलब वर्क डन या एनर्जी, कुछ एनर्जी इसने जनरेट करी, राइट right? लेकिन पंप के अंदर कुछ तो लॉस हुए होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वोर्टेक्स फ्लो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस केसिंग में लॉस हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ लॉसेज माइट देयर. सो पंप ने कितना हेड जनरेट किया, HM इज गिवन बाय, पंप ने कितना हेड जनरेट किया, दैट इज VW2 इंटू U2 अपॉन G. इतना हेड तो पंप ने जनरेट किया, लेकिन इसके अंदर लॉस भी तो हुए, इसके अंदर कितने लॉस हुए, माइनस HP. HP क्या है आपका, पंप लॉसेस, HP इज द पंप लॉसेस, पंप लॉसेस. एक डेफिनेशन तो इसकी होगी, और ये जो इसने हेड जनरेट किया ना स्टूडेंट्स, ये वाला, ये जो हमने निकालते ना VW2 इंटू U2 अपॉन G, ये हेड जो है ये इस हिसाब से निकाला जाता है कि ये फ्रिक्शन भी ओवरकम हो गया और ये इसका फ्रिक्शन भी ओवरकम होगा, बिकॉज फ्रिक्शन भी तो होगा ना यहां पे डिलीवरी हेड में, जो फ्रिक्शन होगा HFD होगा, वो जो डार्सी विस्बैक इक्वेशन दिया जाता है 4FLV2/2HD, इसमें जो होगा दैट इज HFS, फ्रिक्शन हेड लॉस इन द सक्शन पाइप. तो सबके फ्रिक्शन को एड करने के बाद जो आपको हेड चाहिए ये है आपका ये वाला हेड, और इसमें से अगर आप पंप के लॉस अंदर माइनस कर दोगे तो आपका हेड आ जाएगा. इसकी एक और डेफिनेशन है,
बिकॉज देखो नाम है इसका मैनोमेट्रिक हेड, तो अगर आप जो है एक मैनोमीटर यहां लगा दो, एक मैनोमीटर आप इसके जस्ट बाहर लगा दो, अगर आप दो मैनोमीटर लगा दो उनका जो डिफरेंस होगा वो भी मैनोमेट्रिक हेड के बराबर होता है, वो भी आपका मैनोमेट्रिक हेड के बराबर होता है, ठीक है। लेट अस से द प्रेशर हेयर इज पी नॉट, द वेलोसिटी हेयर इज वी टू, द प्रेशर हेयर इज पी आई, आई मतलब इनलेट, वेलोसिटी हेयर इज वी वन, ओके, एंड ये जो डिस्टेंस है आपका, लेट अस से ये जेड वन, ये किसी डेटम से आपका, मान लो डेटम है आपका, ये आपका यहां से जो डिस्टेंस है दिस इज जेड, और ये भी इसका डिस्टेंस जो है ये भी आपका जो है जेड है आपका, दिस इज ऑल्सो जेड। नाउ अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन एट द आउटलेट और इनलेट पे, सो जो हेड लॉसेस हो जाएंगे मैं आउटलेट पे लगाता हूं, दैट इज पी वन अपॉन रो इंटू जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ जी प्लस जेड इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन रो इंटू जी प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ जी प्लस जेड एंड प्लस द हेड लॉसेस। क्लियर, इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो हेड लॉस दिए जाएंगे आपके दैट विल बी इक्वल टू पी वन अपॉन रो इंटू जी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ जी, ये जेड जेड आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस पी नॉट अपॉन रो इंटू जी एंड प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ जी। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके हेड लॉस आए ना, दिस इज कॉल्ड एज द मैनोमेट्रिक हेड। तो मैनोमेट्रिक हेड की एक और डेफिनेशन है, आप मैनोमेट्रिक हेड ऐसे भी कर सकते हो, तो आपको क्या पता चलेगा यहां से, पंप के अंदर के आपको हेड लॉस पता चल जाएंगे। इसकी एक और इक्वेशन है नंबर सी, नंबर सी विल बी इक्वल टू स्टैटिक हेड प्लस स्टैटिक हेड लॉसेस, मैनोमेट्रिक हेड इज आल्सो गिवन बाय स्टैटिक हेड प्लस स्टैटिक हेड लॉसेस प्लस डिलीवरी हेड प्लस डिलीवरी हेड लॉसेस एंड प्लस वी डी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ जी विच इज कॉल्ड एज द डिस्चार्ज हेड। आप बोलो सर डिस्चार्ज हेड क्या है, देखो ये पानी ना बाहर किसी वेलोसिटी से वीडी से गिर रहा था, अगर ये पानी को मैं बाहर नहीं गिराता, अगर मैं यहां पे एक पाइप लगा देता तो पानी कम से कम यहां तक तो जाता ना, यहां तक जाता है पानी, लेकिन वो पानी वहां तक नहीं जा पाया तो वो एक तरह से लॉस ही तो है ना मेरा, सो दैट इज वीडी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स इज द लॉस, क्योंकि मैंने यहां पर ऊपर पानी पाइप नहीं लगाया, क्योंकि मैं इसको ऐसे हवा में डिस्चार्ज कर रहा हूं, तो मतलब इतना हेड मेरा होना चाहिए था लेकिन वो जीरो हेड हो गया वहां पे, तो लॉस ही हो गया मेरा वो, सो वीडी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ जी। सबसे ज्यादा इक्वेशन जो एग्जाम में यूज होती है वो ये वाली है, और आप हेड लॉसेस कैसे निकालोगे, फ्रिक्शन हेड लॉसेस 4CFL V स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इंटू डी, डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन से आप निकालोगे। जब आप नोट कर लोगे आप बता देना मेरे को, आई विल रबिट।
लेट अस डू अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर. अभी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा. लेट अस डू अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर. Find the manometric head. Find the manometric head. Of a centrifugal pump. Which delivers 0.04 meter cube of, which delivers 0.04 meter cube per second of water to a height of 20 meter of water to a height of 20 meter. 20 meter through a 15 centimeter diameter pipe and 100 meter long take coefficient of friction as take fanning friction factor as 0.15. Well, students, what is the correct answer of this question? You just have to calculate the manometric head. Solution. See, this is a centrifugal pump. Like this. Find the manometric head of a centrifugal pump which delivers 0.04 meter cube of per second. So here the outlet discharge is given to you as 0.04 meter cube per second to a height of 20 meter. So the total height is given to you as 20 meters through a 15 centimeter diameter pipe. The diameter of this pipe is 15 centimeter. 15 centimeters diameter of the pipe. Take fanning friction factor as this. So we know that the manometric head is given by suction head plus suction head pipe losses plus delivery head pipe losses and plus the discharge velocity whole square upon two types of G, if there is some discharge velocity. This is what the manometric head is given by. So students,
दिस स्टैटिक हेड प्लस डायनेमिक हेड, इसको मैं बोल सकता हूं स्टैटिक हेड, सक्शन हेड प्लस डायनेमिक हेड स्टैटिक हेड. स्टैटिक हेड इज गिवन एज 20 मीटर्स, सो दिस इज गिवन एज 20 मीटर्स. नाउ दिस इज एच एस एफ प्लस एच डी एफ, दैट इज टोटल फ्रिक्शनल लॉस, लेट अस से इट इज एच एफ, एंड प्लस वी डी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ऑफ जी. आपको ना इस न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा मैनोमेट्रिक हेड का असली मतलब क्या है. तो फ्रिक्शन हेड लॉसेस कितने आपके पास? सो फ्रिक्शन हेड लॉसेस मेरे पास हो जाएंगे, वी नो दैट एच एफ इज गिवन बाय 4 सी एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी इंटू डी. अब मुझे वी नहीं पता, अब वी के लिए मैं ये इस्तेमाल करूंगा. सो वी नो दैट डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी. तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया. डिस्चार्ज इज हाउ मच? 0.04 डिवाइड बाई एरिया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर. सो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर. डायमीटर इज हाउ मच? 15 सेंटीमीटर, दैट इज 15 अपॉन 100 मीटर होल स्क्वायर. सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0.04 डिवाइड बाय 0.785 इंटू 100 स्क्वायर डिवाइड बाय 225, 2.26. वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.26 मीटर्स पर सेकेंड. सो आई नो द वेलोसिटी नाउ. इफ आई नो द वेलोसिटी, कैन आई डिटरमाइन द हेड लॉसेस? यस. 4 इंटू फैनिंग फ्रिक्शन फैक्टर विच इज 0.15 इंटू लेंथ ऑफ द पाइप. नाउ हाउ मच इज द लेंथ ऑफ द पाइप? 100 मीटर लॉन्ग. द पाइप इज 100 मीटर लॉन्ग इंटू 100 इंटू वी स्क्वायर इंटू 2.26 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81 इंटू डायमीटर ऑफ पाइप इज 15 डिवाइड बाय 100. हेड लॉसेस विल कम आउट टू बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड बाय 9.81 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 10 कम्स आउट टू बी 10.45 कम्स आउट टू बी 10.45 मीटर. द हेड लॉसेस कम्स आउट टू बी 10.45 मीटर. 10.45 मीटर. सो द मैनोमेट्रिक हेड विल बी इक्वल टू 20 प्लस 10.45 एंड प्लस डिस्चार्ज वेलोसिटी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी? द आउटलेट वेलोसिटी इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी व्हिच इज 2.26. सो 2.26 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ 9.81. द टोटल मैनोमेट्रिक हेड विल कम आउट टू बी 2.26 होल स्क्वायर. 2.26 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 9.81. 0.260 प्लस 10.45 एंड प्लस 20. द टोटल कम्स आउट टू बी 30.71 मीटर्स. तो आपके पंप को इतना मैनोमेट्रिक हेड देना पड़ेगा 30.71 ताकि सारे के सारे लॉसेस कवर हो जाए. फ्रिक्शन लॉसेस भी कवर हो गया, पंप के अंदर का लॉस भी कवर हो गया, डिलीवरी हेड पाइप के लॉस का भी कवर हो गया, और अगर मान लो कि बाहर कोई वेलोसिटी से पानी निकल रहा था तो वो वाला हेड लॉस भी कवर हो गया. तो आपके पंप को इतनी पावर लगानी पड़ेगी, इतना हेड आपके पंप को जनरेट करना पड़ेगा. आई होप दैट यू नो नाउ दैट व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द मैनोमेट्रिक हेड. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द मैनोमेट्रिक हेड. और मैक्सिमम टू मैक्सिमम केस में यही वाली इक्वेशन यूज होती है. बाकी जो मैंने आपको दो इक्वेशन बताई वो यूज नहीं होती है, यही इक्वेशन यूज होती है.